गुड मॉर्निंग एवरीवन आज कर रहे हैं हम लोग क्लास टेंथ मैथ्स एन आई यूस का चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर डाटा एंड देयर रिप्रेजेंटेश और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज ट्वेंटी फोर पॉइंट टू तो बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस बताना है ठीक है तो उसके लिए पहले सबसे पहले डाटा देख लेते हैं देखिए डाटा क्या होता है कलेक्शन ऑफ तो आपको पता है डाटा क्या है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अब ये इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है जैसे कि जानकारियां तो बहुत अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि आपसे पूछा गया कि वहां पर बताइए कितने लोग थे तो आप वहां पे काउंटिंग करके बताना है आपको तो वहां पर वो काउंट्स एज ए इंफॉर्मेशन हो यानी वहां पर हम क्वांटिटी बता रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन हो गई कि जैसे आपको लोकेशन पूछ ले कि आप उस जगह पे गए थे उस जगह की लोकेशन बताइए कैसा कैसा है तो आप बोलोगे इस 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 रास्ते से जाना है वहाँ का लोकेशन ऐसा है वहाँ पे पहाड़ी है वहाँ पर खाई है ऐसा ऐसा बताना है ये भी एक इन्फॉर्मेशन हो गया ठीक है ऐसे ही आपको स्टैटिस्टिक्स बताना है मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं कि किसी कंपनी के बारे में कि इस कंपनी ने ये गाड़ियाँ बनाती है और इसने इस महीने इतनी गाड़ियाँ बेची हैं उस महीने तो आपने देखा ग्राफ के थ्रू बताते हैं हम उसको वैसे तो उसमें हम नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब ग्राफ में लगा देते हैं इस मंथ और उसकी सेल्स और उसके हिसाब से तो डाटा जो है वो एक इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है अब वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है तो इस जनरली हम ये कह सकते हैं कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन और वो क्वालिटेटिव हो सकती है वो क्वांटिटेटिव हो सकती है वो फैक्ट हो सकते हैं वो स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं तो किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा है ठीक अब यहाँ पर हमें बताना है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद शुरू करते हैं देखिए आप जानते हैं बच्चे सेंसस यानी भारत सरकार जो आ, अपनी देश की जनसंख्या को जो गिनती है ना उसको कहते हैं सेंसस कि जैसे हमारे देश में कितने लोग हैं तो इसकी भी तो गिनती होती होगी ठीक है तो उसको कहते हैं हम लोग सेंसस ठीक है हिंदी में से कहते हैं जनगणना मतलब कि लोगों को गिनना ये जो सेंसस होता है ये हर दस साल में होता है जैसे पिछली बार 2011 में हुआ था तो उसके दस साल यानी कि 2021 में होना था ठीक है तो, तो जब ये सेंसस होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें अपने बंदों को अपॉइंट करेगी यानी कि जो भी उनके कर्मचारी होंगे जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी और उनको बोला जाएगा कि आपके पास ये इलाका है और यहाँ के इलाके के जितने भी लोग हैं वो आपको मतलब काउंट करने जो भी उनका तरीका होगा गिनने का ये काम करवाने का उस उनको गाइड करके और उनको पैरामीटर्स दे दिए जाएंगे कि इस इस तरीके से ये ये पूछना है आपने जो भी जानकारी वो जाते हैं अपने, अपने अपने इलाकों में और वो वहाँ के हर फैमिली में जाकर उनके सदस्यों के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ठीक है वो सब उनको पैरामीटर्स दिए गए होते हैं अब सारा काम जब हो गया सारी गिनती हो गई सारे कर्मचारी अपना डाटा इकट्ठा करके और सबमिट कर दिया होगा उसको सारा डाटा इकट्ठा हो गया उसको कलेक्ट कर लिया गया उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर दी गई और ये जानकारी कुछ दिनों बाद हमारे सामने आती है कि हमारे देश में इतने लोग हैं गवर्नमेंट ने जो डाटा इकट्ठा किया जानकारी उठाई और उसके बाद उसे पब्लिश कर दिया तो उससे हमें पता चल गया कि हमारे देश में इतने लोग हैं ठीक है थीके? अब यही जानकारी अगले दस साल तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कहीं पर भी ये बताना होता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है तो हम बोलते हैं टू में सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग कितनी थी तो अगर मुझे 2020 में भी ये बात बतानी होगी तो हम कहेंगे कि 2011 में सर्वे हुआ था अगर 2017 में ये बात बतानी होती तो भी हम कहते हैं टू में सर्वे हुआ था उस सर्वे में हमारी जनसंख्या इतनी थी तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने उस जानकारी को पाने के लिए अपने बंदे अपॉइंट किए घर घर बंदे गए हैं खुद इन्वॉल्व हुए हैं टाइम लगाया है पैसा लगाया है उसके बाद उन्होंने उस जानकारी को इकट्ठा किया और वो जानकारी उन्हें मिली ठीक सेकेंडरी जब हम लोग इस बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता है हमने गवर्नमेंट की रिपोर्ट उठाई गवर्नमेंट की रिपोर्ट को पढ़ा और बता दिया कि हमारे देश में इतने लोग हैं यही है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा यानी कि जो सेंसस गवर्नमेंट ने किया गवर्नमेंट का जो तरीका था जनसंख्या को बताने का और सेकेंडरी डाटा जो हमारा तरीका है जनसंख्या को बताने का हम जिस डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है गवर्नमेंट ने जिस डाटा का इस्तेमाल किया उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं प्राइमरी मतलब जो खुद इन्वॉल्वमेंट लेकर डाटा को इकट्ठा किया जाता है उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा और जो दूसरों के इकट्ठा किए हुए डाटा से जानकारी जुटाई जाती है उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा ओके ठीक है अब इसमें डिफरेंस क्या देखिए डिफरेंस आपको काफी कुछ तो समझ में आ गए होंगे एक तो कैसा ये फर्स्ट हैंड डाटा है फर्स्ट हैंड का मतलब वो लोग खुद इंफॉर्मेशन को पहली बार इकट्ठा कर रहे हैं फर्स्ट हैंड का मतलब आप जानते होंगे फर्स्ट हैंड का मतलब जिसे हम न्यू भी कहते हैं तो ये डाटा एकदम नया है ये कहीं से उठाया नहीं गया है ये डाटा जो है ये किसी के पास नहीं है पहला ये इनके पास है तो ये इनके लिए बिल्कुल नया हो गया तो फर्स्ट हैंड डाटा मतलब हम इसको एकदम से न्यूली डाटा भी कह सकते हैं ना या न्यूली इन्फॉर्मेशन या एकदम नई इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन कैसी है ये फर्स्ट हैंड नहीं है ये कलेक्टेड बाय अदर प्राइमरी सोर्सेस भी बोल सकते हैं हम लोग मतलब ये अब आप देखिए जो किसी के लिए फर्स्ट हैंड डाटा था वही किसी दूसरे के लिए सेकंड हैंड डाटा हो गया सेकेंडरी डाटा हो गया मतलब सेकेंडरी डाटा जो होता है वो किसी और का प्राइमरी डाटा होता है मतलब इन बंदों ने जहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है उन्होंने तो अपने आप ही किया था ना सर्वे जैसे हम लोग जब बोलते हैं सेंसस के बारे में तो हमारे लिए वो डाटा सेकेंडरी हो गया क्योंकि हमने इसको कलेक्ट नहीं किया है लेकिन इनके लिए तो ये प्राइमरी है तो मतलब सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा से ही उठाया जाएगा ठीक है तो कलेक्टेड बाय प्राइमरी सोर्सेज या अदर सोर्सेज ठीक है दूसरा डिफरेंस आपने देखा होगा बच्चे ये कलेक्ट किया गया है कलेक्टर के द्वारा खुद से कलेक्टेड बाय रिसर्चर इट्स सेल्फ हिम सेल्फ या हर सेल्फ जो भी है उन्होंने ये डाटा खुद से इकट्ठा किया है ठीक है इसीलिए इसको हम फर्स्ट हैंड डाटा कैलो फर्स्ट हैंड डाटा से क्या मतलब है कि यहाँ पर कलेक्शन कलेक्टर जो था जो डाटा को कलेक्ट करने वाला जो रिसर्चर था उसने ये खुद से इकट्ठा किया खुद इन्वॉल्व हुआ है वो कहीं से रिपोर्ट उठा के नहीं लाया है किसी दूसरे की बनाई हुई रिपोर्ट से उसने जानकारी नहीं उठाई ओके okay? ठीक है एक और ये इसी का मीनिंग है ठीक है इसी का मीनिंग है फिर आपने एक डिफरेंस और देखा होगा कि ये एक आ, कहेंगे हम लोग ये रियल टाइम डाटा है आ, रियल टाइम डाटा रियल टाइम डाटा का मतलब ये उसी समय का डाटा है जैसे भी हम बात कर रहे थे ना कि गवर्नमेंट के लिए एकदम नई इंफॉर्मेशन है ये पास्ट डाटा है पास्ट मतलब जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि 2011 में जो सेंसस हुआ होगा उसकी जानकारी हम 2019 तक भी शेयर करते हैं हम उसी उसी डाटा की बात कर रहे होते हैं तो वो तो पास्ट एक तरह से बीता हुआ आ, समय काफ़ी समय बीत गया जैसे और पास्ट टाइम का मतलब कि किसी और ने डाटा इकट्ठा कर दिया है वो उसके लिए वहाँ से अब वो आज की इंफॉर्मेशन नहीं है एट अ मोमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है यानी उस इंफॉर्मेशन से आज तक की इन्फॉर्मेशन में काफ़ी समय बीत चुका है ये तो हम ये बोलेंगे भले ये जब इकट्ठा करें डाटा को और जमा करे वहाँ तक भले कुछ समय भी दिया हो लेकिन ये एक तरह से हम ये मानेंगे कि उसके बीच में कोई गैप नहीं है कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन का स्पेस नहीं था उसके बीच में इसलिए इसे रियल टाइम डाटा कह रहे हैं कि जो जानकारी इसने उठाई है वो इतनी नहीं है कि वो उससे पहले किसी के पास नहीं है उसके बाद ही किसी के पास लेकिन उससे पहले किसी के पास नहीं है तो मतलब ये ऐसी जानकारी है जो उस समय ही मिली होगी उसको तो उस समय के हिसाब से हम कह रहे हैं ये रियल टाइम डाटा है जबकि ये पास्ट टाइम डाटा है आगे नेक्स्ट है ये कलेक्ट किया जाता है कलेक्टेड थ्रू अब ये कैसे कलेक्ट किया जाता है जब ये लोग घर पे जाएंगे घर घर जाएंगे तो ये क्या करेंगे कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूज क्वेश्चंस पूछेंगे ठीक है सर्वे करेंगे और मतलब और भी एक्सपेरिमेंट वगैरह ये सब ठीक है सर्वे करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके थ्रू ये इकट्ठा करेंगे जबकि ये क्या करेंगे ये इस्तेमाल करेंगे जो बुक्स पब्लिश हुई होंगी उनका गव वेबसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे यानी कि जो हम ये वेबसाइट से उठाते हैं ना जानकारी वहाँ से इस्तेमाल करेंगे तो मतलब दूसरा सब... ये हो जाएगा जर्नल से जो आ, मैगजीन से ये सब यहाँ से ही जानकारी को उठाएंगे ठीक नेक्स्ट ये आपने देखा होगा जब ये बंदे खुद इन्वॉल्व हुए थे डाटा को जुटाने में तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग था देखिए इसने क्या किया ये बंदा तो गया एक मैगजीन से आप खुद ही सोचिए हम जब सेंसर्स के बारे में बता रहे हैं तो हमें कितनी कितनी देर लगती है हम सर्च करते हैं और इंटरनेट से सर्च करके इंफॉर्मेशन को उठा लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा वो तीन चार मिनट का प्रोसेस होगा ठीक है ज्यादा से ज्यादा दो या तीन या चार मिनट का प्रोसेस होगा इनके लिए उसमें कई इतना ज्यादा टाइम लगा होगा हर घर पर जाना और उसका डाटा अप्रॉक्सीमेट एकदम एक्यूरेट होना इसके लिए बहुत अच्छे ढंग से उस प्रोसेस को करना पड़ेगा तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है तो ये इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जबकि यह टाइम सेविंग प्रोसेस है ठीक है दूसरा ये मनी कंज्यूमिंग है यानी कि ये बहुत ही खर्चीली है तो इसे हम कह सकते हैं एक्सपेंसिव है इसको एक्सपेंसिव लिख देते प्राइमरी डाटा को गैदर करना एक खर्चीला काम है ये जबकि ये कैसा है मनी सेविंग है मनी सेविंग आप समझ गए होंगे आप उसी से मैं डाटा कलेक्ट किया होगा उसने अपने बंदे लगाए होंगे उनको सैलरी दी होगी ठीक है हर दिन की दी होगी कितने दिन लगे होंगे तो काफी खर्चा हुआ होगा तो उसमें जबकि ये एक एक्सपेंसिव है जबकि ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है जबकि ये मनी सेविंग प्रोसेस है नेक्स्ट ये रिलायबल बहुत है बच्चे रिलायबल है ये रिलायबल है आप देखिए जब डाटा इकट्ठा किया जा रहा होगा तो जो बंदा खुद से जा रहा है डाटा को इकट्ठा करने के लिए उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसके ऊपर जो जो जानकारी इकट्ठा करने का जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है वो उस हिसाब से उसकी रिलायबिलिटी के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है जबकि इसमें क्या है इसमें ये कम रिलायबल है लेस रिलायबल मतलब दूसरे का इकट्ठा किया हुआ डाटा है हो सकता है इसमें कुछ चीजें मिसिंग हो ठीक है या हो सकता है उस एस्पेक्ट से ये ना किया गया हो तो इसमें वो चीजें अपने आप ही मिसिंग हो गई हो लेकिन जबकि रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी कम होती है इसके कंपैरिजन में ठीक है समझ गए आप जैसे कि ये खुद ही है कि कोई काम आप कर रहे हैं और एक काम आप दूसरे से करवा रहे हैं तो फर्क आ जाएगा आपके करने में और दूसरे करवाने में फर्क आएगा ठीक है तो यहां पर ये रिलायबिलिटी इसमें थोड़ा सा कम होती है दूसरा इसमें बच्चे ह्यूमन रिसोर्स बहुत लगता है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स कंजप्शन इज हाई जबकि यहां पर लेस ह्यूमन रिसोर्स लगता है आप देखिए ह्यूमन रिसोर्स मतलब जब सेंसस किया होगा तो उसके लिए कितने लोग लगे होंगे पूरे देश में और जब हमने उस जानकारी को उठाया तो हमारे लिए तो बहुत ही मतलब उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा अगर हम ज, जैसे मान लीजिए अगर हमें ये ऑफिशियल आंकड़े भी चाहिए तो भी हमें ज़्यादा लेबर वर्क लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो लगता है तो यहाँ पर लेबर फोर्स कम लगता है इसी वजह से ये एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है जब आप ज़्यादा लोग काम पर लगाएंगे तो उनका खर्चा भी ज़्यादा होगा ठीक है यहाँ पे कम लोगों को कम लोगों को कम लोगों से ही काम चल जाता है तो इसलिए तो ये हो गए डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में ठीक है तो ये हो गया क्वेश्चन थ्री कंप्लीट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन कह रहे हैं थर्टी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ अपियर फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्लास नाइन्थ की थर्टी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक मैथ्स ओलंपियाड में हिस्सा लिया उनके जो मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं ठीक है तो बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा यूजिंग द क्लासेज दिस और ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इज मार्क्स मोर देन मार्क्स वो बोल रहा है कि एक तो इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए यानी कि टेबल बनाइए इसका और टेबल का आपको जो क्लास साइज है ना वो भी दिया है बोल रहा है फॉर्मेट ऐसा रहना चाहिए क्लास का जीरो टू नाइन टेन से नाइनटीन आगे बोलते हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनका उनके बारे में बताएं बच्चे टोटल थे जिनके फोर्टी नाइन से ज्यादा मार्क्स आए मोर देन फोर्टी नाइन ठीक है तो शुरू करते हैं पहले इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं ठीक है अब देखिए बच्चों जब हम इसके ग्रुप ये क्लास ग्रुप बनाएंगे तो पहला ग्रुप तो हमें पता चल गया जीरो टू नाइन है ये इसने बोला है लेकिन आप इसमें कहाँ से कहाँ तक चलेंगे वो आपको यहां से पता चलेगा देखिए जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि जीरो टू नाइन बना दिया आपने फिर आपने बनाया टेन से नाइनटीन फिर नाइनटीन के बाद आ जाएगा ट्वेंटी से ट्वेंटी तो ऐसा ऐसा हम कहां तक चले तो वो आपको पता चल जाएगा यहां पे जो आप सबसे आखिरी वाला जो नंबर देंगे या सबसे बड़ा जो नंबर होगा कि जिस ग्रुप में वो नंबर आ जाएगा बस वही हमारा आखिरी ग्रुप होगा जैसे मान लीजिए आप पहले यहां पे नंबर चेक कीजिए सबसे बड़ा नंबर है नाइनटी थ्री नाइनटी थ्री के बाद नहीं नाइनटी थ्री सबसे बड़ा नंबर नजर आ रहा है तो मतलब वो ग्रुप जिसमें नाइनटी थ्री आ जाए वो हमारा आखिरी ग्रुप होगा ठीक है तो आप देखिए ट्वेंटी नाइन तक ट्वेंटी नाइन के बाद कितना आ जाएगा थर्टी से थर्टी नाइन उसके बाद फोर्टी फिर नाइन्टी से नाइन्टी नाइन अब देखिए नाइन्टी से नाइन्टी नाइन में क्या नाइन्टी थ्री शामिल होता है देखिए तो नाइन्टी थ्री नाइनटी से नाइन्टी और नाइन्टी नाइन के बीच में ही आएगा तो ये आखिरी था सबसे बड़ा नंबर था और ये हमारा आखिरी ग्रुप होगा क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमारा इस ग्रुप में आ जाएगा इसके बाद ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर भी शामिल हो जाए और सबसे बड़ा नंबर भी शामिल हो जाए ग्रुप हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे ओके तो ठीक है इसके बाद अब देखेंगे ग्रुप बन गए उसके बाद हर एक ग्रुप में अब देखिए पहला ग्रुप देखिए जीरो टू नाइन यानी आपको इस वाले ग्रुप में जीरो जीरो से, से लेकर नाइन तक के सभी जो नंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे ठीक है जी अब ज़रा इधर देखिए हम इसको इधर से लेकर चलते हैं हर एक कॉलम में चेक करेंगे ठीक है तो जीरो टू नाइन देखिए कोई भी ज़ीरो टू नाइन नहीं है यहाँ पर ज़ीरो टू नाइन नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें है देखिए ज़ीरो टू नाइन यानी ज़ीरो से लेकर नाइन तक के बीच में आएगा तो इसके हो गए एक काउंट तो हो गया इसको बाद में मैं ऐड कर लूँगा अभी रफली मैं इसको सिंगल सिंगल काउंट से ऐड कर रहा हूँ ठीक है दूसरा नहीं है तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है ज़ीरो से नाइन में वो है वन ठीक है अब टेन से लेकर नाइनटीन तक तो ये इन्वॉल्व हो चुका है इसको टिक कर देते हैं हम लोग उसके बाद टेन से लेकर नाइनटीन तक देखिए देखिए टेन से लेकर नाइनटीन तक यहाँ पे नहीं है यहाँ देखिए टेन से नाइनटीन तक ये वाला नंबर देखिए एक आ गया फिर इसमें देखिए टेन से नाइनटीन टेन टू नाइनटीन इसमें भी नहीं है इसमें है देखिए फोर्टीन एक और भी है एक uh, 14 आ चुका था जी फोर्टीन चुका था उसके बाद टेन टू नाइनटीन इसमें नहीं है इसमें भी नहीं और इसमें नहीं है तो कितने आ टोटल टू कॉम्स होगा एक सिक्सटीन और फोर्टीन ठीक है कितने दो ओके ट्वेंटी नाइन इसमें भी है ये ट्वेंटी नाइन बीच में आएगा तो एक काउंट गया हमारे पास तो ये टिक कर दीजिए, तो उसके बाद ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है तो यार सिंगल एक बंदा नहीं है गे, गे, से 29 के में। अब थर्टी से थर्टी नाइन लिए थर्टी टू थर्टी नाइन थर्ट से लेकर 39, गो गो एक टोटल तो हो सकते दो थर्टी नाइन बीच अब चलेंगे फोर्टी से फोटी नाइन फोटी से फोर्टी नाइन फर्टी फोर्टी नाइन बीच में आएगा फिर फोर्ट से फोटी नाइन फोर्टी से फोर्टी नाइन ये फोर्टी से नाइन ये भी काउंट होगा फोटी से फोर्टी नाइन ये भी काउंट होगा उसके बाद ये आ गया, ये आ गया और कौन सा गया ये भी आ गया ठीक है फोर्ट से 49, नाइन आप फॉर्टी नाइन इसके बाद फोर्टी फॉर नाइन ये भी आ गया एक और आ गया मेरे पास फोर्टी से 49, नाइन ये भी आ गया एक और 40 से 49, नाइन ये भर ऐसे, गया से फोटी बस वन टू थ्री फोर फाइव तो ये हो जाएंगे मेरे पास फोर्टी से फोर्टी नाइन आएंगे फाइव ये फाइव स्टूडेंट्स हमारे पास ठीक है ठीक है अब चलेंगे फिफ्टी से फिफ्टी नाइन फिफ्टी से फिफ्टी नाइन देख फिफ्टी नाइन ये आ गया एक काउंट हो गया फिफ्टी से फिफ्टी नाइन ये भी आ गया एक और काउंट हो गया फिफ्टी से फिफ्टी नाइन यहाँ पे चलेंगे और आगे ये भी आ गया एक और हो गया फिफ्टी से फिफ्टी नाइन यार हो गया ये फिफ्टी से फिफ्टी नाइन ये ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें फिफ्टी से फिफ्टी नाइन ये और ये दोनों तो एक दो और हो गए ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल पास सिक्स ठीक है ठीक है ठीक है उसके बाद अब चलेंगे सिक्सटी से सिक्सटी नाइन जी नाइन देखिए नाइन इसमें चेक करेंगे सिक्सटी से सिक्सटी नाइन ये वाला आ जाएगा ठीक है इन्वॉल्व हो गया हो ना सिक्स नाइन एक भी हो गया एक ही हो गया एक इन्वॉल्व हो गया उसके बाद ये चलेंगे सिक्सटी से सिक्सटी नाइन ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा सिक्सटी से सिक्सटी से सिक्सटी नाइन फिर इसके आगे ये सिक्सटी सिक्सटी नाइन ये भी चलेगा तीसरा भी आ गया और फिर सिक्सटी नाइन ये भी आ गया फोर्थ, फिर उसके बाद सिक्सटी से सिक्सटी नाइन ये भी आ जाएगा फिर उसके बाद सिक्सटी से सिक्स नाइन तो बार हो गया सिक्सटी सिक्स नाइन भी आ गया तो कहते हैं टोट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्सटी सिक्स नाइन भी आगे छः छः अब सेवेंटी से सेवनटी नाइन चलेंगे सेवनटी से सेवनटी नाइन ये हो गया दो ये हो गए सेवनटी से सेवनटी नाइन दो तीन उसके बाद चार बस तो ये हो गया टोटल चार फिर एटी से एटी नाइन एटी से एटी नाइन देखिए

तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो टोटल स्टूडेंट्स थर्टी ही थे तो थर्टी ही आना चाहिए यहाँ पे भी देखिए ये असल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो दिखा रहे हैं तो इनको ऐड करते हैं देखते हैं थर्टी आ रहा है कि नहीं टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर प्लस टू सिक्स प्लस फाइव इलेवन प्लस सिक्स सेवनटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी थ्री प्लस फोर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी ये हो गए थर्टी स्टूडेंट्स टोटल यहाँ पे आ रहा है हमारे पास सब ठीक है इस तरह से बनाना है आपको तो ये हो गया इसका इसका क्लास इंटरवल हमने बना लिया मतलब इसका टेबल बना लिया हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अब वो कह रहा है कि बताइए कितने बच्चे थे हु स्कोर्ड मोर देन फोर्टी नाइन मार्क्स जिनके फोर्टी नाइन से ज्यादा है फोर्टी नाइन से ज्यादा का मतलब है कि फोर्टी नाइन तक तो यहां शामिल है और उसने फोर्टी नाइन से ज्यादा बोला है ऐसे नहीं बोला कि फोर्टी नाइन एंड मोर देन फोर्टी नाइन उसने बोला मोर देन फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन इंक्लूड नहीं होगा फॉर्मी नाइन से ज्यादा वाला इंक्लूड होगा हु मार्क्स मोर देन फोर्टी नाइन

कोड बाय स्टूडेंट्स मोर देन फोर्टी क्वेश्चन फोर प्लस टू प्लस वन छह छह बारह चार सोलह सत्रह अठारह एक उन्नीस तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो नाइनटीन स्टूडेंट्स हैं जिनको मिले हैं किससे ज्यादा जिनको मिले हैं फोर्टी नाइन से ज्यादा मार्क्स समझ गया तो ये हो गया क्वेश्चन फोर्थ भी हमारा कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल ऑफ साइजेस इक्वल साइजेस यूजिंग दिस एज वन ऑफ द क्लास इंटरवल फॉर द फॉलोइंग वो बोल रहा है यहाँ पर आपको कुछ डाटा दिया गया है उसको आपको ग्रुप में डिवाइड करना है मतलब सेपरेट कर देना है ग्रुप्स में तो ग्रुप जो ग्रुप दे रखा है उसने जो क्लासेस क्लास class का साइज बनेगा वो बनेगा 250 से 270 ये उसने एग्जाम्पल दे दिया और बोला कि 270 को इंक्लूड मत करना जब आप इस ग्रुप में यहाँ से ऑब्जर्वेशन उठा रहे होंगे तो 270 वाला आप इस ग्रुप में ना रखें यहां पे तक 269 वाला रहेगा ये कहने का मतलब समझ गया आप तो बना लेते हैं इसका क्लास साइज बना ले क्लास इन टेबल बना ले अब देखिए यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला जो ग्रुप बना के दिया है वो टू फिफ्टी से टू सेवनटी दिया ठीक है तो कोई जरूरी नहीं है कि जो वो बनाकर दे वही पहला ग्रुप होगा जैसे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसने जीरो से नाइन बना के दिया था तो उसमें जीरो से नाइन इन्वॉल्व था तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो हर बार वो देगा वो पहला ही होगा आप खुद ही देखिए टू फिफ्टी से टू बोल रहा है और टू में और 250 में इसमें 50 से ज्यादा और 70 से कम आएगा तो 50 से ज्यादा तो यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे नंबर है जो 50 से कम है देखिए ये हो गया ये हो गया ये हो गया तो ये तो इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो इसका मतलब उसने केवल एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको आप मिनिमम जो वैल्यू है यहाँ पे वहां से पता लगाएंगे कि पहला ग्रुप आपका किसका बनेगा ठीक है और मैक्सिमम से पता लगाएंगे कि आखिरी ग्रुप क्या बनेगा तो मिनिमम वैल्यू देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पर आप देखिए 268 सिक्सटी टू सिक्सटी एट से छोटा हो गया है टू थर्टी टू थर्टी से छोटा टू फिफ्टीन टू फिफ्टीन और उससे भी छोटा हमारे पास कोई वैल्यू है टू हंड्रेड टेन टू हंड्रेड टेन इससे छोटी कोई वैल्यू देखिए टू हंड्रेड टेन से छोटा कोई वैल्यू नहीं है तो आप देख रहे सबसे छोटा जो नंबर मिला है हमें वो टू हंड्रेड टेन मिला है तो ये आ गया क्या लीस्ट और सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है थ्री हंड्रेड से ऊपर फोर हंड्रेड हमें दिख गया है फोर से ऊपर फाइव कहीं है नहीं है फाइव नहीं है तो 400 में हमें मिला है 406 दो आ चुके हैं 404 उसके बाद 400 का कोई भी नंबर यहाँ नहीं है तो यानी 406 406 404 ये सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास तो 406 वाला जो होगा जिस ग्रुप में शामिल होगा वो आखिरी ग्रुप होगा हमारा ठीक है तो मिनिमम हमें पता चल गया टू ठीक है और मैक्सिमम हमें पता चल गया फोर हंड्रेड एंड सिक्स तो आप यहाँ टेबल देखिए यह ग्रुप देखिए इसमें उसने बीस का डिफरेंस लिया है फिफ्टी से सेवनटी अब हमारे पास है टू हंड्रेड टेन तो टू हंड्रेड टेन से चलेंगे हम लोग टू हंड्रेड थर्टी बीस का डिफरेंस लेना पड़ेगा ट्वेंटी का डिफरेंस तो टू हंड्रेड टेन टू टू हंड्रेड थर्टी यह बन गया हमारा पहला ग्रुप ओके अब देखिए सबसे पहला जो इंटरवल था सबसे छोटा नंबर वो उसमें शामिल हो चुका होगा देखिए टू हंड्रेड टेन सबसे जो छोटा नंबर था हमारे पास वो था टू हंड्रेड टेन तो उसने कहा था कि बाद वाला शामिल नहीं होगा पहला वाला तो शामिल होगा ही यानी टू हंड्रेड टेन इसमें आ जाएगा ठीक है ऐसे छोटा कोई नहीं है तो इससे पहला वाला कोई ग्रुप नहीं होगा दूसरा फोर हंड्रेड सिक्स हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू थी तो देखिए फोर हंड्रेड सिक्स इसी में आ जाएगा फोर हंड्रेड टेन से कम तो इसी में आएगा तो ये वाला आखिरी ग्रुप हो गया हमारा ठीक है अब काउंट करना शुरू करते हैं सबसे पहले आप इसको जरा ध्यान से करेंगे टू हंड्रेड टेन से टू हंड्रेड थर्टी तो टू हंड्रेड टेन से टू हंड्रेड थर्टी

टू फिफ्टी तो एक तो आ जाएगा इसमें टू थर्टी टू आ गया एक सॉ टू थर्टी से टू फिफ्टी अब इसके बाद टू थर्टी से टू फिफ्टी ये भी भारत चुका है इसे टू थर्टी से टू फिफ्टी एक ये भी आ जाएगा तो ये हो गया एक टू थर्टी से प्लस वन टू थर्टी से एक ये भी आ गया इसमें टू थर्टी से फिफ्टी थर्टी से फिफ्टी भी आ जाएगा इसमें ये भी आ जाएगा टू थर्टी से टू फिफ्टी टू थर्टी से टू ये भी आ टू थर्टी से टू फिफ्टी नहीं बस ये होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये होगा टू फिफ्टी से टू सेवन टू फिफ्टी से टू तो एक जाएगा प्लस टू फिफ्टी से टू सेवेंटी ये बाहर हो गया ऐसे टू फिफ्टी से टू सेवेंटी ये भी आ जाएगा प्लस वन फिर टू फिफ्टी से टू ये बाहर हो चुका है टू से ज्यादा हो गया ये टू फिफ्टी से टू सेवेंटी बस आगे तो टोटल दो फ्रीक्वेंसी से टू सेवन से टू 70 से नाइनटी अभी टू हंड्रेड भी रहे हैं आप 200, 200 भर चुका है टू सेवन से टू नाइनटी टू सेवनटी से टू नाइन ये ही आ जाएगा टू से टू बस इसमें कितनी केवल सिंगल सेवनटी से टू नाइनटी और कोई नेक्स्ट हमारे पास है टू नाइनटी से थ्री हंड्रेड टेन टू नाइन्टी से थ्री हंड्रेड टेन तो नाइन्टी से टेन चेक कीजिए वोट नहीं होगा तो टू नाइन्टी टू नाइनटी से ऊपर चले आ गया फिर टू से ऊपर थ्री टेन तक एक ये भी आ गया फिर टू से ऊपर थ्री तक ये बार हो गया टू नाइन्टी से ऊपर थ्री टेन तक ये बार हो गया थ्री हंड्रेड टेन तक ये इन्वॉल्व नहीं होगा ठीक है फिर थ्री हंड्रेड टेन तक ये भी आ जाएगा फिर थ्री हंड्रेड टेन येगा थ्री हंड टेन येगा थ्री थ्री हंड्रेड टेन तक ओके और उसके बाद अब थ्री हंड्रेड टेन से थर्टी ये आ जाएगा इसमें थ्री हंड्रेड टेन से थर्टी टेन से थर्टी थ्री हंड्रेड टेन से थ्री हंड्रेड थर्टी तो थ्री हंड्रेड टेन थ्री हंड्रेड टेन से 30 ये भी आ जाएगा थ्री हंड्रेड टेन से थर्टी ये भी आ जाएगा थ्री हंड्रेड टेन से थर्टी ये भी इंक्लूड होगा और थ्री हंड्रेड टेन से थ्री हंड्रेड ये इंक्लूड नहीं होगा थ्री हंड्रेड टेन से थर्टी ये दो भी इंक्लूड होंगे, तो वन प्लस वन तो कितना जाएगा ये होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके 30 से फिफ्टी थ्री हंड्रेड थर्टी से थ्री हंड्रेड फिफ्टी तो ये हो जाएगा थ्री हंड्रेड थर्टी से फिफ्टी थ्री हंड्रेड थर्टी से फिफ्टी चलेंगे थ्री हंड्रेड थर्टी से थ्री हंड्रेड थर्टी से

थ्री सेवेंटी से थ्री नाइन्टी तक तो ये बेटी नहीं क्या करेंगे थ्री सेवेंटी से थ्री नाइनटी थ्री सेवेंटी से थ्री नाइन्टी थ्री सेवेंटी से थ्री तो एक भी आ रहा है जीरो ठीक है अब थ्री से थ्री नाइन्टी थ्री नाइन्टी से फोर टेन फोर टेन थ्री से थ्री नाइन्टी थ्री यहाँ कहीं नहीं है थ्री नहीं है थ्री नहीं है, है सीधा हम चलेंगे इसमें ये देखिए एक तो ही गया दो गए तो वन प्लस वन ये हो गए और ये देखिए यहाँ पर ये एक ये भी हो गया प्लस वन तो ये हो गया हमारे पास टोटल ये भी इंक्लूड हो गया तो हो तो होगा मेरे पास थ्री तो थ्री ये हो गए हमारे पास ठीक है अब यहाँ पर एक डिजिट जो था वो छूट रहा था ठीक है एक ये भी है और कोई अगर छूटा होगा हमसे तो वो भी पता चल जाएगा इसको ऐड कीजिए देखिए कितने हो गए टोटल ये हो गए सिक्स प्लस टू एट प्लस टू टेन इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्लस टू ट्वेंटी फोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन टोटल कितने आ गए ट्वेंटी सेवन ठीक है यहाँ पे काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्सन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेन ट्वेंटी सेवन यानी कि एक ट्वेंटी एट आ रहे हैं यहाँ पर तो एक हमारा छूटा है तो इसको चेक करेंगे हम लोग थ्री हंड्रेड हमने इंक्लूड नहीं किया तो थ्री हंड्रेड कौन से वाले ग्रुप में आएगा वो आएगा टू नाइन्टी से थ्री वन जीरो पे तो टू नाइन्टी से थ्री हंड्रेड टेन वाले ग्रुप को चेक करेंगे ठीक है चेक करते हैं टू नाइन्टी से थ्री हंड्रेड टू नाइन्टी से ये एक तो ये वाला आ जाएगा थ्री हंड्रेड तो एक ही आ जाएगा और ये एक ही आ जाएगा तो ये हो गए दो एक और एक तो टू नाइन्टी से ऊपर है ये एक ये हो गया और थ्री हंड्रेड टेन ये भी उसमें आ जाएगा दो ये हो गए टू नाइन्टी से थ्री हंड्रेड टेन एक ये हो गया तीन और टू नाइन एक ये हो गया दो सौ नब्बे से एक ये हो गया टू नाइन्टी से ऊपर ये टू नाइन्टी से ऊपर ये एक दो एक ये हो गया तीन और एक ये देखिए ये वाला ये भी थ्री हंड्रेड टेन से पहले पहले तो ये हो गए टोटल फोर यूनिट्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी वन कि, प्लस वन प्लस वन तो ये होना था फोर अब ऐड करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ रहा है कितना ट्वेंटी सेवन यानी कि ट्वेंटी तो एट ये पूरे हो गए ठीक है इसके बाद भी कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर अगर कंप्लीट आ भी जाए तो एक बार आप दोबारा से इसको चेक कर लीजिए ठीक है कि इसमें फ्रीक्वेंसी में ऐसा हो सकता है ना किसी में एक कम हो गई और एक ज़्यादा हो गई तो गलत तो हो गया लेकिन यहाँ पे नंबर सही आ रहा होगा तो ये केवल एक रफ अंदाज़ा हो जाता है कि अगर कोई छूट गया तो उससे तो पता चल जाता है ठीक है छूट गया तो पता चलेगा अगर सब इन्वॉल्व हो गए आगे पीछे हो गए तब पता नहीं चलेगा आपको ठीक है तो एक बार आप और इसको चेक कर लीजिएगा तो इसको करने का एक तरीका और ये हो सकता है बच्चे कि आप जैसे ये वाली है ना ये टू वाली इन टू वाली ऑब्जर्वेशन को अलग लिख लें थ्री को अलग लिख लें फोर को अलग लिख लें तो जब ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा ओके ठीक है तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल ये बन गई अब उसने क्या पूछा था क्वेश्चन हमसे बोल था वन ऑफ द ठीक है अब इसके बाद इसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है तो ये हो गया क्वेश्चन फाइव भी हमारा कंप्लीट ठीक है तो करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्वेश्चन कह रहे हैं फॉलोइंग द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ फोर्टी टीचर्स इन ए स्कूल ये एक स्कूल में जो टीचर्स हैं वो हैं फोर्टी नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं फोर्टी हैं और उनकी एज का इन्होंने एक टेबल बना दिया है कि उनकी जिस हिसाब से एज है उस हिसाब से उनको ग्रुप में रख दिया है तो जैसे बारह टीचर जो हैं वो पच्चीस से इकतीस साल के ठीक है पच्चीस से इकतीस साल के बीच में जो उनमें बारह है थर्टी से थर्टी के बीच में जो पंद्रह है तो टोटल फोटी टीचर्स हमारे पास हैं मतलब वट इज़ द क्लास साइज क्लास साइज का मतलब जो क्लास का जो इंटरवल है ना ये जो गैप है क्लास में ये कितने का डिफरेंस कितने का ले रखा है इन्होंने ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्स थर्टी वन

बोल रहा है इसकी अपर मतलब क्लास लिमिट क्या है? अपर क्लास लिमिट मतलब बच्चे इसकी लिमिट क्या है? ऊपर वैसी इसमें पूछ रहे फोर्टी नाइन फिफ्टी फाइव में लोअर क्लास लिमिट क्या है तो लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी हमारी फोर्टी नाइट ये अपर क्लास ओके तो ये हो गया क्वेश्चन सिक्स भी हमारा कंप्लीट और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन थैंक यू